नमस्कार, मैं रोशन सिंह, नेचुरोपैथ एंड नाइस एक्सपर्ट। अभी मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ। आज मेरे साथ पेशेंट है सीमा जी, इनको कैंसर है और यहाँ पे लगभग 10 दिनों से एडमिट है। आज इनका 8वां दिन है और 10 दिन यहाँ पे रहने वाली हैं। तो 8 दिनों में इनको क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, क्या क्या फ़ायदा मिला है, डायरेक्टली हम इनसे बात करते हैं और आपकी बात करवाते हैं। जी सीमा जी, कैसे हैं अभी आप? मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ जी। क्या क्या फर्क पड़ा आपको? मेरे को फर्क ये पड़ा कि मेरा जो दर्द था नीचे वो बिल्कुल ठीक हो गया। कमर से चला नहीं जाता था दर्द की वजह से, वो भी मेरा ठीक है जी। जी, सांस फूलती थी मेरी, वो भी ठीक है और वजन भी मेरा कम हुआ है जी। तो ओवरऑल आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं शायद कहीं और जाती तो मैं शायद बचती भी नहीं जी। तो कैसे डाइट कैसे ले रहे हैं, कोई डाइट थेरेपी क्या क्या कर रहे हैं? थेरेपी है हो रही है, सुबह योगा हो रही है, फिर थेरेपी हो रही है, फिर वो सर में क्या होता है वो हो रहा है, तेल डाल के मालिश वगैरह हो रही है, फिर दवाई लगाते हैं जी जी। और खाने पीने में जो है इनको फ्रूट्स और इनको सलाद वगैरह दे रहे हैं और जूस देते हैं, टमाटर का, गाजर का जूस देते हैं। और उसके बाद में थोड़ा वीकनेस थी तो इनको बादाम का भी दूध दिया है, बादाम की लस्सी दी है, कोकोनट का दूध दिया है, तो उससे मम्मी को ज्यादा जो वीकनेस आ रही थी वो ठीक हुई है मम्मी की। और शाम को वो मिलेट्स का कुछ बना के देते हैं खाने को, तो उससे मतलब कि काफी, मतलब कि हमें आज 8वां दिन है, हमें 5वें दिन से ही फर्क पड़ना शुरू हो गया था, जो हमें जो हम मम्मी को नजर आया बॉडी में चेंज वो हुआ। और फिर हमने भी देखा मम्मी को काफी फर्क आया है, तो आज 8वां दिन है, हमें 10 दिन का ट्रीटमेंट बोला गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आपको हिम्स हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मेरा एक भतीजा है बरेली से, वो प्रांजल मिश्रा करके आया, वो किडनी का पेशेंट था, तो उसकी डायलिसिस वगैरह चल रही थी और उसने लखनऊ और बरेली दोनों तरफ इलाज कराया था, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हफ्ते में 2 उसकी डायलिसिस चल रही थी, तो उसको किसी ने यहाँ का बताया था, तो यहाँ पे आके उसकी आप 7 दिन में उसको फर्क पड़ गया था। अच्छा, तो वो फिर उसने उसको फॉलो करा गया। फिर मैं अभी जैसे मम्मी का मुझे पता लगा तो मैंने पहले तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन होगा और रिमूव कर देंगे, और उन्होंने ये भी बोला था कि ना जो यूट्रस है ना बच्चेदानी होती उसमें है ये बताया था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि वो स्टार्टिंग में ही है, ये फर्क लगा हमारे को। तो उसने बताया तो मेरे को लगा कि शायद किडनी का ही है, ये इस चीज का नहीं है जी। तो फिर बोला तू जाके तो देख वहां पे, तो मैं उसके कहने पे मतलब कि मुझे भी लगा कि नहीं मम्मी को ऑपरेशन से डर लगता, मम्मी तो बल्कि आधी हो गई थी पता होने पर। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आके हमें पता चला इस चीज का भी है, फिर इलाज कराना शुरू करा हमने, तो कहा स्टार्टिंग है आपका हो जाएगा, अच्छा हुआ आपने कुछ और नहीं कराया। तो जैसे सीमा जी आपके तरह अगर कोई पेशेंट है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो कहती हूँ कहीं और ना दिखा के यही एम्स में आना चाहिए, बल्कि स्टार्टिंग का जैसे पता लगे कुछ भी अगर आपको पता लगता है तो आप एलोपैथिक में टेस्ट वगैरह अगर आपको करता है आप करवा लो, क्योंकि वो टेस्ट देखते हैं यहाँ पे पहले तो। लेकिन आप एलोपैथिक ना जाए प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ, तो आप सीधे यहाँ आए। तो जो पेशेंट्स किडनी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, वो हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है, गुड़गांव में है, लखनऊ में है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे हिम्स के वेबसाइट पे भी आप देखेंगे ट्रीटमेंट, जैसे इन्होंने बताया डाइट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो थेरेपी डाइट लेके आप घर पे भी रिकवर हो सकते हैं, या हॉस्पिटल आना चाहते हैं हॉस्पिटल भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।